सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त गणेश देशमुख का तबादला हो गया है, तो वहीं उनकी जगह पर उल्लासनगर के आयुक्त सुधाकर देशमुख की नियुक्ति की गई है। गणेश देशमुख की नियुक्ति ठाणे महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर की गई है। बता दें कि अप्रैल 2018 में गणेश देशमुख ने पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त के तौर पर सूत्र अपने हाथों में लिए थे एवं तब से उनके माध्यम से पनवेल क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने का काम किया जा रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख कई सनदी अधिकारियों का तबादला किया गया है और यही कारण गणेश देशमुख के तबादले के पीछे भी बताया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अन्य महानगर पालिकाओं की तुलना में पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में कोविड-19 मरीजों की संख्या बेहद कम है एवं फिर भी आयुक्त गणेश देशमुख का अचानक तबादला होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच अब पनवेल महानगर पालिका के नवनियुक्त आयुक्त सुधाकर देशमुख ने मनपा मुख्यालय में आयुक्त का पदभार स्वीकार किया, जहां उनका स्वागत तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख द्वारा किया गया। गणेश देशमुख ने पनवेल महानगर पालिका में विकास कार्यों को जो गति दी थी वही गति अब सुधाकर देशमुख आगे बरकरार रखेंगे, ऐसी भावना अब पनवेलकर व्यक्त कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।